इंडस्ट्री में बढ़ रही है करीना कपूर खान की डिमांड। मिसेस खान की फीस में आई भारी उछाल। कौन कहता है कि शादी के बाद एक्ट्रेस का करियर खत्म हो जाता है। करीना कपूर खान को ही देख लीजिए, मिसेस खान की शादी भी हो गई है और दो बच्चे भी, लेकिन बेबो का करियर बुलंदी पर है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान इसी साल दूसरी बार मां बनी है। हाल ही में करीना ने अपने मिरर सेल्फी भी शेयर की थी, जिसमें वो एकदम फिट नजर आ रही थी। और अब खबर है कि जल्द ही बेबो पर्दे पर भी नजर आएंगी। एक के बाद एक बेबो की झोली में कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म रामायण में करीना कपूर नजर आएंगी। खबर है कि करीना को भी ये फिल्म ऑफर की गई है। इस फिल्म में बेबो सीता का रोल निभा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीना कपूर खान को फिल्म की कहानी तो पसंद आई, लेकिन उन्होंने इसके लिए 12 करोड़ रुपए फीस की डिमांड रख दी है। दरअसल इस किरदार के लिए करीना कपूर खान मेकर्स की पहली पसंद है। करीना को उनके रोल के लिए 6 से 8 करोड़ की फीस तय की गई थी, लेकिन अब बेबो ने सीधा 12 करोड़ की डिमांड कर दी है। खबरों की माने तो करीना के पास कई प्रोजेक्ट पहले से होने के चलते उनके लिए इस फिल्म के लिए समय निकालना मुश्किल होगा और इतनी फीस शायद ही मेकर्स अफोर्ड कर पाएंगे। ऐसे में क्या करीना का नाम फाइनल होगा या नहीं, ये कहना भी मुश्किल है। वहीं बात करें करीना कपूर खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, तो वो जल्द ही फिल्म वीरे दी वेडिंग 2 और हंसल मेहता के डायरेक्शन में बन रही एक अनटाइटल मूवी में काम करती नजर आएंगी। फिलहाल लॉकडाउन की वजह से बेबो इन दिनों अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता रही हैं। छोटे बेटे पर इन दिनों काफी ध्यान दे रही हैं। पर करीना लाल सिंह चड्ढा में भी नजर आएंगी, जिसमें आमिर खान उनके अपोजिट में नजर आएंगे। आपको बता दें कि ये फिल्म फेमस हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम की हिंदी रिमेक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।